अभिनेता सलमान खान की आगामी फिल्म टाइगर जिंदा है में आपको खतरनाक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। सुल्तान के निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दबंग खान के साथ कैटरीना कैफ भी नजर आएंगी। सलमान खान ने हाल ही में हुए आईएफए अवार्ड में भले ही कोई पुरस्कार नहीं जीता हो, लेकिन वो इस अवार्ड शो में अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीतने में जरूर कामयाब रहे। न्यूयॉर्क से जाने के बाद दोनों ने मोरक्को में अपनी आगामी फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग शुरू कर दी है। निर्देशक अली अब्बास जफर, जो हमेशा इस फिल्म से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो के जरिए फिल्म के लिए हमारे मन में जिज्ञासा पैदा करते हैं, इस बार भी उन्होंने दबंग खान का एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो मोरक्को में घुड़सवारी करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए अली ने लिखा, 5 साल बाद एक बार फिर सलमान और कैटरीना को साथ देखने के लिए ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये फिल्म इस साल क्रिसमस पर रिलीज होगी। आईएनएस रिपोर्ट।